मैं आप सबको यूरोपा का नाइट लैच लॉक लगा के दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप यूरोपा का नाइट लैच कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया और यहाँ पे ड्रिल कर लेते हैं। आपको 32 mm का ड्रिल कर लेना है, 28 से 32 mm तक ड्रिल कर सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड से हमें होल कुछ इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं होल हो गया है और मैं लॉक को अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, उसके बाद लगाने का प्रोसेस बताते हैं आपको पूरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉक के पूरे पार्ट हैं, मैंने पूरी तरह से अनबॉक्सिंग कर लिया है। दिखा देते हैं, सिलेंडर है, इसमें आपको 4 चाबी मिल जाएगा और यहाँ पे लॉक देख सकते हैं आप। तो हमें कुछ इस प्रकार से रिंग को लगा लेना है, उसके बाद डोर में फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से हमें रख के पीछे से प्लेट लगा के 2 स्क्रू लगा देने हैं। दोनों स्क्रू लगा के हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। टाइट कर लेने के बाद डोर के थिकनेस के हिसाब से हमें पीछे जो बड़ा वाला ब्लेड दिख रहा है पत्ती टाइप, इसको कट कर लेना है। तो थोड़ा सा छोड़ के हमें कट कर लेना है। उसके बाद लॉक को रख के मार्किंग कर लेना है हमें। तो सामने से हमें सिलेंडर पूरा सीधा रखना है। उसके बाद हमें स्टिकर निकाल के इसको कुछ इस प्रकार से उसको सीधे में रख के हमें यहाँ पे इससे मार्किंग कर लेना है। हमें चेक कर लेना है जहाँ पे हमारा लॉक फ्री चलता है वहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया और यहाँ इतना भाग हमें कट कर लेना है। तो चलिए हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से कट कर लेना है, देख सकते हैं। कट करने के बाद हमें लॉक को लगा के वहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि फ्री चल रहा है कि नहीं। उसके बाद हमें प्लेट का पीछे का स्क्रू लगा लेना है। लगाने के बाद अब सिलेंडर के दोनों स्क्रू को अच्छे से फिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें लॉक को रख के कुछ इस प्रकार से मार्किंग करके ड्रिल कर लेना है। यहाँ पे ड्रिल हो गया हमारा, अब हमें स्क्रू फिक्स कर लेना है। सामने से 2 स्क्रू यहाँ पे आएगा, हमें दोनों स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। अब सामने का हमारा स्क्रू दोनों टाइट हो गया है और हमें अब चेक कर लेना है कि हमारा लॉक इजी ऑपरेट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद हमें पीछे के दोनों स्क्रू लगा लेने हैं। पीछे के दोनों स्क्रू अच्छे से टाइट करने के बाद हमें फिर से चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा लॉक का बॉडी बिल्कुल फिक्स हो गया है और बिल्कुल स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमें प्लेट को कुछ इस प्रकार से लगा के मार्किंग कर लेना है। तो चलिए इस प्लेट को हम ऐसे रख के मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें कटिंग कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और जैसे हमारा कटिंग हो जाएगा हमें स्क्रू लगा लेना है।
यहाँ पे मेरा कटिंग हो गया है, अभी मैं ड्रिल करके स्क्रू लगा लेता हूँ। सभी स्क्रू हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो अब पूरी तरीके से मेरा लॉक लग के रेडी है। मैं आपको एक बार फिर से ऑपरेट कर कैसे करना है वो आपको दिखाता हूँ। तो नॉर्मली देख सकते हैं आप, यहाँ पे लॉक है और इसको मैं चाबी से कुछ इस प्रकार, दो पॉइंट इसमें लॉक है और हाफ करने पे लैच खुलता है, और हमें पीछे से इस प्रकार से बंद कर लेना है। और इसमें नाइट लैच दिया हुआ है, अगर हम छोटा नॉब क्रॉस कर देते हैं तो ये लैच नहीं खुलता है, और उसको स्विच स्टेट कर देते हैं तो खुलने लगता है। इसको हम अंदर से यूज कर सकते हैं।